नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ बड़ी खबरों पर। एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोली शीला दीक्षित, मैं नहीं आम आदमी पार्टी से गठबंधन के खिलाफ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, जो इस गठबंधन का लगातार विरोध कर रही थी, अब इसके समर्थन में कैसे आ गई? अगर गठबंधन 4 और 3 के फार्मूले पर होता तो कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के चयन में क्या पैमाने रखेगी और क्या कांग्रेस पूर्ण राज्य के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का समर्थन करे? पीएम मोदी बोले, सपनों का भारत बनाने के लिए हमने 75 लक्ष्य तय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजनाथ सिंह के नेतृत्व में हमारे अध्यक्ष अमित शाह ने जो कमेटी बनाई थी, उसने पिछले 2-3 महीने लगातार मेहनत की और एक प्रकार से जन के मन की बात और उसकी आशा अपेक्षा और आकांक्षाओं के एक डॉक्यूमेंट के रूप में ढाला है। इसके लिए हम इस पूरी टीम को बधाई देते हैं जिन्होंने आज़ादी की जंग लड़ी थी। उनके सपनों का भारत बनाने के लिए हमने 75 लक्ष्य तय किए हैं। देश के नौजवान आने वाले 5 सालों में 2047 का भविष्य तय करने वाले। वर्ल्ड कप के लिए 15 खिलाड़ी हैं भारतीय टीम में शामिल होने के बड़े दावेदार। वर्ल्ड कप में अब 2 महीनों से भी कम समय बचा है। ऐसे में आपको बता दें कि भारतीय टीम के लिए किन 15 खिलाड़ियों का सिलेक्शन हो सकता है। भारतीय सिलेक्शन IPL और हाल में ही हुई सीरीज में खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस देखकर भी ये फैसला कर सकते हैं। अच्छे फॉर्म में केवल राहुल और दिनेश कार्तिक भी टीम आने के प्रबल दावेदार हैं। ऋषभ पंत एवं अंबाती राउड की जगह इन्हें टीम में मौका दिया जा सकता है। कमलनाथ के करीबियों के ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई 2रे दिन भी जारी। आज खोले जा सकते हैं लॉकर्स। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के सहयोगी के ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई सोमवार को 2रे दिन भी जारी है। सीएम के निजी सचिव प्रवीण कक्कड़ के करीबी प्रतीक जोशी और अश्विन शर्मा के भोपाल स्थित घरों पर छापेमारी में अब तक 9 करोड़ रुपए नकद मिल चुके हैं। आज लॉकर खोले जा सकते हैं। रविवार देर रात नोट गिनने की 6 मशीन बुलाई गई थी। सूत्रों के मुताबिक अश्विन के पास मिले 11 बैंक खुलना बाकी है, इनमें और नकदी मिल सकती। कांग्रेस ने सोमवार को संकल्प पत्र के कवर पेज को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र और कांग्रेस के घोषणा पत्र के बीच साफ अंतर इसके कवर पेज पर देखा जा सकता है। हमारे कवर पर लोगों का समूह है, जबकि भाजपा के संकल्प पत्र के कवर पर केवल एक ही आदमी की तस्वीर है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा को संकल्प पत्र के बजाय माफीनामे के साथ आना चाहिए था। अक्षय कुमार की केसरी ने 18वें दिन की बंपर कमाई। अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा स्टार केसरी ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अपनी रिलीज के 18वें दिन यानी इस रविवार को 3 करोड़ 23 लाख रुपए का कलेक्शन किया और अब कुल कमाई 143 करोड़ 2 लाख रुपए हो गए। केसरी को 21 करोड़ 6 लाख रुपए से ओपनिंग मिली थी। केसरी को इस वीकेंड में जिस तरह का उछाल मिला है, उससे ये तय है कि फिल्म 150 करोड़ का आंकड़ा हासिल कर ले। अगर आपकी कोई भी राय है तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर। बाकी के अपडेट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट www.arthprakash.com पर भी जा सकते हैं और हमारा एंड्रॉइड ऐप भी आ गया है, आप उसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फोन पर। और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।